नमस्कार दोस्त, आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो बिहार में और खासकर बिहार के हैं और दूसरे स्टेट में कम से कम 5 साल से जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के बिहार में आए और यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आइए उन व्यक्ति से आपको मिलाते हैं और परिचय कराते हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे दर्शक को बता दीजिए कि आजकल का जो युवा के अंदर जो होता है जॉब करने का इरादा अधिक जो है पैदा होता है कि हम रोजगार करें, नहीं सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें। तो इनके बारे में सर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। 15 साल से दिल्ली में जॉब कर रहा था, बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर में था जी जी। और मैं नेशनल लेवल पे काम किया है जी फॉर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एंड लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था रॉयल बैंक ऑफ रत्नाकर बैंक, आरबीएल बैंक में। किस जगह वर्क कर रहे थे सर? मैं दिल्ली में ओखला में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जॉब कर रहा था। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का गुड़गांव में हेड ऑफिस था जी जी। पैन इंडिया का ऑफिस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, साइबर यूनियन बिल्डिंग जी, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। और सर्विसेज डिपार्टमेंट में था, मैं आरबीआई का गाइडलाइंस देखता था जी। जो आरबीआई गाइडलाइंस हमें बैंकों में क्या कहते हैं, बैंकों को, ब्रांचों को इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है। जो भी न्यू गाइडलाइंस आरबीआई जारी करती है जी, वो गाइडलाइंस हमें ब्रांचों में इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है। तो मेरा मकसद था कि एक दशक क्या है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी होता है जी। किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जो जिस भी इंडस्ट्री में आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा शुरू से ही मकसद था कि मैं कम से कम 10 साल का जॉब करके उसके बाद मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट करूँगा और मैं लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा जी। उसी प्लान के तहत मेरा 10 साल प्लस हो गया था, मेरा 12 साल हो गया जॉब करते करते। तब मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और हमने अपनी कंपनी बनाई और एक बीपीओ आईटी कंपनी बनाई। उसके बाद हमने शांतिराम फाइनेंस निधि लिमिटेड का लाइसेंस लिया और दिल्ली में 2016 में लाइसेंस मिला और तब से हम काम करते आ रहे हैं और अभी हम अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और होपफुली कि आने वाले समय में हम 5,000-10,000 लोगों को रोजगार देंगे। आने वाले समय में अभी भी हमारे पास 100+ लोगों को हमने रोजगार दिया है दिल्ली और बिहार में, और स्पेशली हम बिहार के लोगों को रोजगार और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं कि छोटे छोटे उद्योग का विकास हो, छोटे छोटे उद्योग लगे जिससे कि लोग नौकरी के पीछे ना भागे। बिहार के हमारे ज़्यादातर युवा हैं जो नौकरी के पीछे भागते हैं। हम युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि नौकरी के पीछे भागे ना, नौकरी देना सीखें, लोगों को रोजगार दें, रोजगार देने वाले बने। सर अभी फिलहाल में आप बिहार में रहकर कई सारे लोगों को रोजगार दिए हैं, किन किन क्षेत्रों में आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देंगे? अभी तो हम फाइनेंस सेक्टर में जॉब ऑफर कर रहे हैं लोगों को। आने वाले समय में हम फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोगों को रोजगार देंगे, सोशल एक्टिविटी में रोजगार देंगे, जैसे कि शांतिराम स्पोर्ट्स कमेटी है उसके अंदर रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे हैं जो अभी हम प्लान कर रहे हैं टीवी और एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का, असेंबलिंग का बिजनेस, तो उसमें भी हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे बिहार के अंदर जी। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।